भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सबकी आंखों में अपने पापा के लिए इतना प्यार, इतनी इज्जत देखकर गर्व हो रहा है। आपका ये साथ मेरे पापा की ताकत है, आपका प्यार हमारी जमा पूंजी है। आपकी ये बहन दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करती है। जब से यहाँ आई हूँ आप सबको देखकर यही सोच रही हूँ कि आपसे प्रेरणा लेनी है, आपसे सीखना है कि निडरता से विकास का साथ दो और डंके की चोट पे दो। आप सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी इस बहन को आप पे गर्व है। आज यहाँ बहुत सारी बेटियाँ हैं, वो मेरे से सहमत होंगी कि बेटियों के आदर्श उनके पापा होते हैं। मेरे भी आदर्श मेरे पापा हैं। आप मेरी नजरों से मेरे पापा को देखेंगे तो ये देव स्वरूप नजर आएंगे। पर अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो तथ्यों के आधार पर मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरे पापा जैसा निस्वार्थ, ईमानदार, विजनरी और मेहनती नेता इस देश में शायद ही होगा। लोग राजनीति में आते ही बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े व्यवसाय खड़े कर देते हैं। मेरे पापा के पास भी अनगिनत अवसर थे, महत्वपूर्ण मंत्री रहे, पर मेरे पापा ने कभी किसी कारोबार, किसी व्यवसाय की तरफ देखा तक नहीं, उस बारे में सोचा तक नहीं। जब से विधायक बने हैं मेरे पापा ने हर सांस सरोली के नाम की है। इन्होंने हर वक्त यही सोचा है कि हरोली को एक आदर्श क्षेत्र कैसे बनाया जाए, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनाई जाए, यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियाँ कैसे लाई जाए, यहाँ का जीवन आसान कैसे बनाया जाए। पिछली सरकार में आपने विकास देखा, जो मिसाल है वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर आनी बाकी है। पिछले चुनावों में हवाओं का रुख भाजपा के हक में था, बड़े बड़े नेता हारे, आपने उस माहौल में मुकेश अग्निहोत्री को 8,000 की लीड से जिताकर पूरे प्रदेश में ये संदेश भिजवाया कि विकास की कदर होती है। ये कलयुग क्यों ना हो, जब जब लड़ाई सच और झूठ में होगी, झूठ को अंधे मुंह गिरना ही होगा। आपने कदर की तभी दिल्ली बैठे कांग्रेस हाईकमांड ने कदर की, मेरे पापा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। आज हरोली का विधायक विपक्षी दल की सर्वप्रथम कुर्सी पे बैठा है, प्रथम कुर्सी पे बैठा है। अब चंद महीनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस बार हवाओं का इशारा है, आने वाला कल हमारा है। कल का सूरज हमारा है। कल का सूरज हरोली का है। मेरे पापा ने रोड मैप तैयार कर लिया है, हरोली को 50 साल आगे ले जाना है। आज हरोली को मिनी चंडीगढ़ कहते हैं, हमें तो इसे मिनी पेरिस बनाना है। आप सब तैयार हैं हरोली को 50 साल आगे ले जाने को? सुना नहीं, सुना नहीं, तैयार है? क्या इतिहास रचने को तैयार हैं? तो बस यूं ही डटे रहिए, मिलकर हम हरोली को नंबर 1 बनाएंगे।
वादे में ये जरूर कहूंगी, मुझे गर्व है मैं उस सरोली की बेटी हूँ जो विकास का अभिप्राय बन चुका है। आने वाले समय में हरोली ने बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ यहाँ होना है, नौकरियों की छड़ियाँ लगनी है, कल का सूरज हमारे युवाओं का है। जाते जाते मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, अभी आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत से सुना, मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं मुकेश अग्निहोत्री की बेटी हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी बेटी बन के इस दुनिया में आई हूँ। बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे बेटियों के नारे लगाते हैं, मेरे पापा के दिल में बेटियों की कदर है। मेरे पापा ने मुझे जितने नाज जितने प्यार से पाला है, मैं रोज यही कहती हूँ, जितना दिया खुदा ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करनी है, अपने युवा साथियों को ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर शिक्षा का सेटअप बनाया तो हमने बनाया, 33 सीनियर सेकेंडरी बनाए हमने, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल बनाया, 135 करोड़ रुपए की ट्रिपल आईटी बन रही है, लॉ कॉलेज बनाया तो लोग वकील बने, नर्सिंग कॉलेज बनाया तो बच्चियाँ हमारी नर्सिंग बनी, हमारी जो आईटीआई हमने बनाई तो पंडोगा में और टूबोवाल में तो लोगों ने जो है आईटीआई की स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया 25 करोड़ रुपए का, जो शिक्षा का जो साम्राज्य यहाँ पे हमने स्थापित किया, पता नहीं हमारी कितनी बच्चियां पढ़ी, और अभी तो आपने देखा ही क्या है, अभी तो शुरुआत होने जा रही है। युवा साथियों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, आप सब लोग डिग्रियां लेके बैठे हैं, किसी ने बीए की है, किसी ने एमए की है, किसी ने एमएससी की है, किसी ने पीएचडी की है, हम साम्राज्य स्थापित करेंगे, युवाओं का साम्राज्य स्थापित करेंगे, आपकी सत्ता में भी भागीदारी होगी, आपकी नौकरियों में भी भागीदारी होगी। क्या आप निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन बच्चों की नौकरियों के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं? क्या इतिहास रचने को तैयार हैं? सोलन व हिमाचल का इनक्राफ्ट शोरूम, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित घर, ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9871198737 और 9996870011।